मुझसे अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई जो जापानीज लोग हैं इतनी फास्ट वो अपनी फुल बॉडी को कैसे वाइट कर लेते हैं, आप क्यों नहीं इसके ऊपर बात करते और आप बताएं हमें कि आप किस तरीके से हम जो है अपनी फुल बॉडी को सिर्फ इस तरीके से वाइट कर लें। तो बिलीव माने मैं आपको बिल्कुल रियल तरीका बताऊंगा जिसको लड़कियां लड़के सब यूज करके अपनी फुल बॉडी को वाइट कर सकते हैं जिस तरीके से आप लोगों के सामने शो हो रहा है। बहुत ही आसान तरीका है, आप घर में खुद इन सब चीज़ों को बनाओगे आपका तकरीबन मेरे ख्याल से 40 या 50 रुपये खर्च आएगा, इजीली आप इस चीज़ को बना के अपनी फुल बॉडी को वाइट कर सकते हैं। तो आप लोगों को यार इससे बढ़ के मेरे ख्याल से यूट्यूब के ऊपर आकर और क्या चाहिए, इतनी कमाल की चीज़ आपको मैं आज बताने वाला हूँ गाइस जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी फुल बॉडी को वाइट कर सकते हैं। फुल बॉडी का क्या मतलब है, पूरा जिस्म, जहाँ पर क्रीम लगा के बस फेस वाइट नहीं कर रहे हैं, हम फुल बॉडी को वाइट करने वाले हैं। आपको इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप वन पॉइंट गाइड करूंगा जिसको आप लोग फुल करके उम्मीद है मुझे 100% के आप अपने फुल बॉडी को वाइट कर सकते हैं। वीडियो बस शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल में आए चैनल को सब्सक्राइब करें, जब आप सब्सक्राइब को साथ बेल का आइकन आएगा सिंपली आप लोगों ने बेल पर क्लिक करना, ऑल का ऑप्शन आएगा तो कहीं ऑल पर क्लिक कर देना ताकि इसी तरह की फैशन एंड वीडियो आपको हमारे चांस मिलती है। सो गाइस चलिए फिर हम शुरू करते हैं। सो गाइस देखिए, कोई क्रीम लगाने या कोई इंजेक्शन लगाने से या कुछ अदर टैबलेट खाने से फार्मूला नहीं हल होगा, आपकी फुल बॉडी वाइट नहीं होगी। बट आज जो हम यहाँ पर तरीकाकार करने वाले हैं, बिलीव माने मैं सच बोल रहा हूँ, रमज़ान का मंथ है अभी, तो रमज़ान रोज़ा नहीं रखा हुआ मैंने क्योंकि जारी बात है अभी भाई अफ्तार हो गया, सहरी का टाइम होने वाला है तो अभी तो नहीं ना, बट रमज़ान है तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, इस चीज़ को मैंने खुद ट्राई किया था एंड जस्ट गाइज मुझे बहुत फास्टली इससे रिजल्ट मिलना शुरू हुआ था। तो आप लोगों को वही चीज़ बताऊंगा देखो जो खुद मैंने चीज़ टेस्ट की हुई है। तो गाइज आज की शुरू में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी फुल बॉडी को वाइट कर सकते हैं बगैर किसी नुकसान के। सो गाइज इसके लिए मैंने एक साबुन बनाया था सोप, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे हमने उसको यूज़ करना है एंड गाइज उसके यूज़ करने के बाद आप देखोगे आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी, वाइट हो जाएगी, बहुत फास्टली फुल बॉडी वाइट हो जाएगी। तो चलिए वो आपको मैं सोप बनाना सिखाता हूँ, किस तरीके से बनाना है स्टेप बाय स्टेप आपको मैं गाइड करता हूँ। सो गाइज इस स्टेप को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए चूल्हा, चूल्हे के ऊपर आप पैन रख लीजिए। पैन रखने के बाद सिंपली भाई पैन रखने के बाद आपने पानी लेना है, तकरीबन 4 से 5 चम्मच आपने पानी की लेनी है और वो उसके अंदर आपको ऐड कर देनी है और आपने इसको 5 से 6 मिनट थोड़ा सा बॉईल होने देना है ताकि आपका जो पानी वो गर्म सा हो जाए। तब तक हम अपना दूसरा स्टेप कर लेते हैं। इस स्टेप को करने के लिए सबसे पहले आपको मेरे भाई चाहिए सोप, आप एक सोप ले लीजिए और उसको आप अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लीजिए। कंप्लीट एक सोप ले लीजिए, कोई भी सस्ता सा चाहे मार्केट में अवेलेबल है वो आप ले लें और उसको अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लें कंप्लीट, जैसा कि मैंने खुद किया है। करने के बाद जो हमारा पानी जो है बॉईल हो रहा है, आपने सिंपली पूरा जो सोप आपके पास पड़ा हुआ है ठीक है उसको आपने उसके अंदर डाल देना उस पानी के अंदर ठीक है, और इसको आपने अच्छे तरीके से हलाना शुरू कर देना है। आपका जो सोप है वो जो हार्डली शेप में है बिल्कुल वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल गाढ़ा सा वो बन जाएगा ठीक है, पतला सा वो पानी के साथ मिक्सर उसका मिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है मेडिकल स्टोर पर और वहाँ से आपको परचेज करना है हाइड्रोजन एंड अमोनियम। ये गाइस आपको तकरीबन दोनों ही बोतल जो है हाइड्रोजन एंड अमोनियम की आपको आधी आधी इसके अंदर ऐड करनी है। ये आपको मेडिकल स्टोर पर जब आप जाएंगे वहाँ कहीं हाइड्रोजन अमोनियम दे दें तो आपको 50 से 60 रुपये की दोनों बोटल्स ही मिल जाएंगी, आधी आधी इसमें आप डालनी है आप लोगों ने और इसको आपने अच्छे से मिक्स करते रहना है। जब आपका पानी कंप्लीट खुश्क हो जाए जो हमने पैन के अंदर डाला था और हमारा जो मटेरियल खाली व्हाइट सा बन के रह जाए तो फिर आपने ऐसा करना है कि आपने इसको फ्लेम को बंद कर देना है और इसको आपने एक साइड पे निकाल लेना है और इसको अपने सोप की शेप दे देनी है, जैसे कि मैंने खुद इसको सोप की शेप दे दी है। सिंपली इस तरीके से आप लोगों ने सोप की शेप देके इसको बनाकर रख लेना है। गाइस जब आप इसको छोड़ोगे 20-25 मिनट तक आपका सोप खुश्क हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अगर बेसिक ये है कि आप लोग उसको पानी को बिल्कुल खुश्क नहीं करते जो कि आपने पैन में डाला था और वो थोड़ा सा आपको लग रहा है पानी के सोप के अंदर है, फिर वो काफ़ी नरम सा बन जाएगा, काफ़ी टाइम लग सकता है उसे हार्ड होने में। जब आप पानी प्रॉपर खुश्क करोगे काफ़ी हार्ड हो जाएगा वो ठीक है, जल्दी खुश्क हो जाएगा यानी कि वो हार्ड होगा आपका सोप। तो ये चीज़ें खास ख्याल रखना है आप लोगों ने कि जो आपने पानी में पानी डाला था बिल्कुल वो खुश्क हो चुका है। सो गाइस अब हमारा सोप रेडी हो चुका है, अब हमने यूज़ किस तरीके से करना है इसको हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। गाइस इसको आपने हरगिज भी अपने फेस के ऊपर ट्राई नहीं करना, मैं आपको अब भी कह रहा हूँ, फेस के ऊपर आप लगा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, मैंने खुद लगाया है, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। जो एक्सपर्ट देख रहे हैं इस वीडियो को वो कहेंगे ज़रूर कि यार फेस के ऊपर लगाओगे नुकसान हो सकता है, बट देखें भाई मैंने खुद यूज़ किया है किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है।
अब आपकी मर्जी है कि अगर आप लोगों की स्किन के ऊपर एक्ने निकलती हैं, अभी निकल रहे हैं स्टिल, या फिर उसके अलावा आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो मैं इस बारे में कहूँगा कि आप फेस पे ना लगाएं, बाकी बंदे इसको लगा सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ मैंने खुद देखी है, मैंने यूज़ की है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाकी अपने फेस के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, इसको अच्छे से मसाज करें, फेस को वॉश कर लें, एंड फुल बॉडी के ऊपर जब भी आप नहाते हैं तो सिंपली अपने लगाएं बॉडी के ऊपर और इसको आप वॉश करें, जस्ट 1 से 2 डेज आप यूज़ कर लें। ये बताई हुई मेरी चीज़ ट्राई करें, बनाएं, कोई महंगी नहीं है मेरे भाई, सस्ती चीज़ है, इसको बनाएं, ट्राई करें। आपका भाई गारंटी दे रहा है यहाँ पे, किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपकी बॉडी वाइट होगी। खासकर लड़के मुझे कहते हैं कि मेरे दोस्त ने भाई कौन सी चीज़ लगाई है, उसके हैंड बड़े वाइट से हो गए हैं, क्या लगाती है मुझे बताती है, काइंडली मेरी हेल्प करें। तो ये हाइड्रोजन अमोनियम का ही कमाल है, आपने डायरेक्टली कोई चीज़ यूज़ नहीं की, जिस तरीके से मैंने बताई है उसको उस तरीके से यूज़ करना है, तब आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपने डायरेक्ट लगा लिया हाइड्रोजन अमोनियम तो नुकसान हो सकता है, मैं अभी कह रहा हूँ। तो जिस तरीके से बताया जाए उसे उस तरीके से यूज़ करें, उम्मीद करूंगा कि आपकी फुल बॉडी वाइट हो जाएगी बगैर किसी नुकसान के। हाँ, अगर आप लोगों की एज जो है वो 14 साल से कम है तो आप इस वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि आपने ये ट्राई नहीं करना। अगर आप लोगों की एज 14 ईयर से अबव है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जस्ट 1 से 2 डेज के अंदर अंदर रिजल्ट मिल जाएगा आपको, कि इतना आपका वो मैगोचर उतरेगी, चेहरा आपका नीट होना शुरू हो जाएगा। सो गाइस, यही मेरी कुछ वीडियो थी जो कि मैंने आप लोगों को गाइड की है, आप लोग इसको यूज़ करिएगा और फिर इसके बारे में रिकमेंड अपने भाई को करना है, ताकि आप लोगों को मैं बताऊं कि भाई फिर फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ लोगों को। तो आप लोगों ने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट करने हैं इसको यूज़ करने के बाद, क्योंकि मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर से कि आपको रिजल्ट मिलने वाला है। गाइस, मैं आपके साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।